Thank you.
13 फरवरी 1964 की प्रातः क्लास चल रही थी। दूसरे पेज पर बाकी 25 से पावन बनाने का उनका पार्ट है। हम ये कोई महिमा थोड़ी करेंगे, ये तो उनकी ड्यूटी है 25 से पावन बनाने की। टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की, अपनी अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे, उनका पार्ट है ना। बाप कहते मैं भी जामा के बस में हूँ, उनमें फिर ताकत काली की, ये तो उनकी ड्यूटी है। कल्प कल्प संगम पर आकर के पतित को पावन बनाने का रास्ता बताना ही है, और मैं पावन बनाने बिगड़ रह नहीं सकता हूँ। मेरा पाए भी बिल्कुल एक्यूरेट है, एक सेकंड भी देरी व आगे नहीं हो सकता, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस बजाता हूँ। सेकंड बाई सेकंड जो पास होता है ड्रामा मेरे से कराता रहता है। मैं भी पर्वत हूँ, इसके पर्वत हूँ ड्रामा के पर्वत हूँ, इसमें महिमा की बात नहीं है। अब देखो उन दुनियावी बगलों की कितनी महिमा करते हैं और उनका कितना मान रखते हैं, मेरी तो महिमा की बात ही नहीं। मैं कल्प कल्प आता ही हूँ, बुलाते हैं मुझे कि पतित से पावन बनाने आओ, और हैं देखो कितने पतित, एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। 10 वर्ष पवित्र रहकर चलते चलते फिर माया का थप्पड़ लगने से काला मुंह कर देते, कहते हैं हमने काला मुंह कर दिया, अपना भी काला मुंह किया फिर उनका भी किया। काला मुंह तो दोनों का होता है ना, अक्सर करके पुरुष ही गिरते हैं। तब द्रौपदी ने पुकारा है, फिर ज्योति ज्योति समाने की बात कैसे कह देते हैं। जितने ढेर मनुष्य है उतनी ढेर बातें, और सब हमको नमन करते हैं। द्रौपदी को सबने नगन किया, नगन तो सभी करते हैं ना। सन्यासी भी जन्म विकार से ही लेते हैं, कोई भी ज्योति ज्योति वापस नहीं जा सकता। ज्योति ज्योति में समाने की तो बात ही नहीं, ज्योति तो आत्मा है। वास्तव में आत्माओं में जो अलग अलग प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है, तुंडे तुंडे मति भिन्ना, वो अलग अलग प्रकार की बुद्धि एक बाप की लाइक में समा जाती है, उसको उन्होंने ज्योति ज्योति समाना कह दिया। वास्तव में आत्मा कोई परमात्मा में लीन नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है और आत्मा का पार्ट भी अविनाशी है। एक आत्मा का पार्ट न मिले दूसरी आत्मा, मनुष्य मत है अनेक और ईश्वर के मत है एक, और इस दुनिया में देवता मत तो होती ही नहीं है, देवताएं तो होते ही सत्य होने।
तो ये बड़ी समझने की बातें हैं, मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं है, तब ईश्वर को पुकारते रहते हैं, रहम करो यह करो। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजने लायक बन जाते, अभी तुमको पूजने लायक थोड़ी कहेंगे, अभी तुम बन रहे हो, तुम जानते हो हम ये बनेंगे। फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही कर्मों की यादगार बनेगी, हमारी संपन्नता की यादगार मंदिर बनेगी। तुमको मालूम है चंडिका देवी का भी मेला लगता है, क्योंकि यहाँ चंडिकाएं भी है ना, जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती है, परंतु कुछ न कुछ है पवित्रता पालन की है तो उनकी पूजा होती है। बाप से मिलन मेला तो मनाया है ना, परंतु बाप के बच्चे आज्ञाकारी नहीं होते हैं तो उनको चंडाल कहा जाता है, उनमें चंडाल और चंडिका दोनों आ जाते हैं। देखो यादगार है, चंडिका देवियों की भी है मेला लगता है ना, फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ न कुछ तो मदद करती है। चंडिकाओं की भी सेना तो है ना, कराए खा करके फिर भी विश्व का मालिक तो बनती है ना। यहाँ भी कोई डील होगा, वो भी कहेगा तो सही ना, हम भारत के मालिक हैं। आजकल तो देखो एक तरफ गाते रहते हैं हमारा भारत सबसे उपदेश, जहाँ गंगा बहती रहती, तो देखो एक रिकॉर्ड में महिमा करते हैं तो एक रिकॉर्ड में निंदा कर देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुमको तो अभी यथार्थ रीति बाप बैठ समझाते हैं, उन बगुलों को ये थोड़ा ही पता है केनों को भगवान पर आते हैं, कहेंगे वाह इन्होंने तो भगवान को अपना टीचर बना लिया। अरे कोई नई बात है क्या, गीता में भगवान बात है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, सिर्फ गीता में भगवान की जगह मनुष्य का नाम डाल दिया। भगवान की जगह मनुष्य का नाम डालने से गीता खंडित कर दी है, मनुष्य का नाम कहाँ डाल दिया, तो देवता का नाम डाल दिया है कि मनुष्य का नाम डाल दिया है, का नाम डाल दिया तो सतयुग में होता है बात कहा की, कैसे संगम युग में मनुष्य होते हैं या देवताएं होते हैं। जब तक गीता का भगवान असली पता न पड़े तब तक गीता का भगवान मनुष्य को मान लिया या भगवान को मान लिया, कौन है मनुष्य, गीता का भगवान मान लिया कृष्ण को, लेकिन कृष्ण नहीं कहना चाहिए, संगम युग में है कृष्ण का आखिरी चोला ब्रह्मा, यहाँ की शूटिंग होती है तो वहां नाम पड़ जाता है। तो देखो कृष्ण भगवान हुआ के ये तो मनुष्य मत हो गई, क्या वास्तव में सचिव कृष्ण का कृष्ण कोई मनुष्य नहीं है, वो कोई मनन चिंतन मंथन करने वाला नहीं है। मनन करने वाले कौन होते हैं, मनुष्य होते हैं। तो यहाँ संगम युग की बात है, कृष्ण यहाँ कैसे आवेगा,
वो तो सतयुग का प्रिंस था, उनको क्या पड़ी जो पतित दुनिया में आ गए। बातें तो ऐसी ऐसी करते हैं जैसे जंगली लोग। बाप कहते हैं ये जंगल के बड़े बड़े कांटे हैं, जिन्होंने गुरु बन करके सब को नीचे गिराया। जरा भी जानते नहीं है। बाप तो तुम बच्चों को ही जानते हो, बाप को तो तुम बच्चे ही जानते हो। तुमने जाना है कि गिराने वाले अनेक गुरु हैं और उठाने वाला एक है। दिमाग में क्या कहते रहते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अब कितने गुरु हो गए? तो एक गुरु होगा सदगुरु, सदगति करने वाला, या अनेक गुरु होंगे? जरा भी जानते हो? बाप को तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारे में भी कोई बिरला या था तिरती जानते हैं? बिरला, बिरला माने कोई कोई जानते हैं या था तिरती है। नहीं तो आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि बनते रहते। मुख से सदैव रत नहीं निकले, पत्थर ना निकले। अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो पत्थर निकलने लग पड़ते। अपने से पूछना चाहिए हम ऐसे बने हैं कैसे, इन लक्ष्मी नारायण जैसे मीठे बने हैं, बन चाहते हैं कि जल्दी हो। हमें तो पुराने कपड़े से बाहर निकले, परंतु जल्दी तो कोई हालत में हो न सकती। क्यों? ड्रामा जो निकल चलता रहता है, टाइम लग जाता है। तुमको तो बहुत मेहनत आदि करनी है। अपन को देखना है हम साधु सन्यासियों आदि से लड़ सकते हैं, उनकी बातों का जवाब दे सकते हैं। आगे चल के साधु सन्यासी भी ज्ञान को समझेंगे तो वो भी आवेंगे, कहेंगे तुम्हारे बाबा ने तो कहा है इस ज्ञान को तुम महाभारत, भागवत और रामायण से टैली कर सकते हो, तो आओ मैदान। जिनका मंथन चला होगा वो बता सकेंगे, नहीं मंथन चला होगा तो अटक जाएंगे। तो अपन को देखना है हम इन साधु सन्यासियों से लड़ सकते हैं, क्योंकि समझाने वालों में भी नंबर वार तो है। युक्ति युक्त समझाने वाले पिछाड़ी को निकलेंगे। क्या तब तुम्हारा बाण लगेगा? अभी तो बाण खाली जाते हैं। अभी तक तो कोई कह नहीं सकता कि हम हंस बने, बाण क्यों नहीं लगते? खुद ही हम में धारण नहीं है, बहुत फर्क। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अजनबी चलेगी, पढ़ाने वाला तो एक ही है। क्या कौन से सन की वाणी है? वाणी पढ़ाने वाला एक ही है। 68 के बाद ब्रह्मा भवन से जोड़ दिया, इधर कह दिया हमारी पढ़ाई तो अजन चलेगी चलेगी और पढ़ाने वाला देखिए तो कैसे है। इससे साबित होता है कि भले ब्रह्मा का तन छूटता है परंतु ब्रह्मा भी पढ़ाने वाला नहीं है। क्यों? वो सुनने वाला और सुनाने वाला तो है, लेकिन सुनने सुनाने से पढ़ाई पूरी नहीं होती।
बात से पूरी होती है। जब तक जो सुना है सुनाया है उसको समझा नहीं तो बहुत फर्क हो जाता है। हम सब हैं उनसे पढ़ने वाले, अभी संपूर्ण कोई बना ही नहीं है। अभी कोई भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता। अर्थ की वाणी में ही बोला कि कोई भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता। फिर ब्रह्म कुमारियां क्या कहती है? कर्मातीत हो गए, कर्मातीत हो जाए तो सूक्ष्म शरीर का बंधन भी। हाँ, कर्मातीत उस हिसाब से कहेंगे जैसे विदेशी और विधर्मी आत्माएं बोलती है, उसको मानती है, देवताओं को नहीं मानती, वो फरिश्तों को मानती है। 13 फरवरी अर्थ की वाणी का तीसरा पेज। जब तक वह समय ना आवे तब तक कोई कर्मातीत नहीं हो सकता। आगे चल करके तुम लड़ाई देखेंगे, ऐसी लड़ाई देखेंगे जो बात मत पूछो। अभी देख रहे लड़ाई तो नहीं है, लड़ाई अभी आराम का टाइम चल रहा है, खाना पीना सोना, परिवारों में भी लड़ाइयाँ मारा मारी हो जाती है, रातों रात की नींद उड़ जाती है। ये तो सारी दुनिया की बात है। लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, हजारों मनुष्य मरते हैं। इतनी सब आत्माएं शरीर छोड़ेंगी तो कहाँ जाएंगी? परमधाम इकट्ठे जाएंगे या पहले ही चले जाएंगे? मरते जाएंगे और जाते जाएंगे? हाँ, जो इतनी अकाले मौतें होंगी, भूकंप आएंगे, मकान हिलेंगे, गिरेंगे, दब के मरेंगे, ढेर के ढेर अकाल मौत में, तो उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा। तो कहाँ जाएंगे? जरूर कोई दूसरों के शरीर में प्रवेश करके पाठ बजा देंगे। क्या वो खट से जाकर किसे मिलेंगे? नहीं, जितना समय उनका हिसाब किताब होगा उनमें प्रवेश करके पाठ बजा देंगे, हिसाब किताब पूरा होगा, फिर जन्म लेंगे। अभी तो बहुत आने वाले, झाड़ बड़ा होता जाता है, बहुत टाल टारियां पत्ते हो जाते हैं, रोज देखो कितने जन्म लेते हैं। लड़ाई में अर्थ के कार्य में करोड़ों मनुष्य मरते हैं, वापस तो कोई भी जा ही नहीं सकता। अर्थ के इसमें ढेर के ढेर मरेंगे, जितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई है मल्टी मिलियन है, तो फिर ये लूटेंगे सांस के पत्तों की तरह, तो ये कहाँ जाएंगे सर? कोई भी वापस नहीं जा सकता, परमधाम कोई भी वापस जा नहीं सके। कैसे भी जा करके भटक भटक के जन्म लेते रहे, कहां तो 4-5 भी घुस पड़ते, कहां घुस पड़ते, एक एक शरीर में 4-4, 5-5 आत्माएं भी घुस पड़ेंगी। ऐसे क्यों? ये कौन सा हिसाब किताब बताया? प्रायश्चादी किले में प्रवेश करते हैं, प्रायश्चादी जो भी विधर्मी हैं वो प्रवेश कितने करते हैं? द्वापर युग से देवी देवताओं प्रवेश करते हैं, देवी देवता हैं 33 करोड़, और दूसरे धर्म की आत्माएं हैं कितनी? 500 करोड़ से कुछ और ही ज्यादा। तो कहां 500 करोड़ और कहां 33 करोड़? एक एक देव आत्मा में कितनों कितनों का प्रवेश होगा? तो हिसाब किताब यहां पूरा होता है। यहां फिर जो अकाले मौत में शरीर छोड़ने वाले होंगे वो शरीर छोड़ते जा देंगे,
और जो जो अंत देखेंगे उनमें प्रवेश प्रवेश करते जाएंगे। तो जिस हिसाब से ब्रह्मा भी क्या हो गया, विधर्मी हुआ या स्वधर्मी हुआ है? और ब्रह्मा को फॉलो करने वाले जो शरीर छोड़ते जा रहे हैं वो भी क्या हुए, वो भी विधर्मी हो गए। उनका भी लक्ष्य क्या था, ब्रह्मा ने शरीर छोड़ के सहिष्णुता बनने का संपन्नता की स्थिति प्राप्ति की, वैसे हम भी प्राप्त करें। सनातन धर्म का पहला पत्ता है, उसके पहला नहीं है कोई, उनको बीज है, उनको जन्म लेने वाला कोई नहीं है। तो सनातन ज्यादा पुराना कौन हुआ, ज्यादा सनातन माने पुराना संगम भी लक्ष्मी नारायण हुआ, या सत्य में जन्म लेने वाला रचना जिसे कहा जाता है वो हुआ, लक्ष्मी नारायण ज्यादा पुराना हुआ। तो मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है, चार चार पांच पांच भी घूमते रहेंगे एक एक बार। बच्चों के लिए फिर माताएं भी बहुत चाहिए, इन बातों की जाति रेजगारी में जाने से पहले हम अपने बाप को तो याद कर लें, इससे निकल भी ना तू, ये हमारा कचरा तो निकल जा रहे पीछे दूसरी बात। तुम उन प्रवेश करने वाली आत्माओं को कोई विचार न करो, कोई कोई तो भयभीत हो जाएंगे। पहले अपने पेट की पूजा तो करो, कौन सी पेट की पूजा, पहले अपना बुद्धि रूपी पेट तो चकाचक कर लो, जो तुम ऐसा बन सको, कैसा इन लक्ष्मी नारायण जैसा, वो है मुख्य याद की यात्रा। सभी को पैगाम देना, पैगाम सारी दुनिया को मिलना है, और पैगंबर एक ही है, सारी दुनिया को पैगाम देने वाला पैगंबर एक ही है। वो तो नाम रखने चरते हैं पैगंबर, परंतु सारी दुनिया को पैगाम थोड़े देते। क्राइस्ट आया, कितनों को पैगाम मिलता है, क्राइस्ट का पैगाम मिलता है 100-150 करोड़ इससे ज्यादा तो मिलता नहीं। धर्म स्थापकों भी पैगंबर प्रीसेप्टर तो कह नहीं सकते, वो तो अपना धर्म स्थापन करते हैं। गति सदगति का पैगाम देने वाला तो एक बाप वो ही है, वो सदगुरु, वो सदगुरु सदगति दाता है, और कोई भी नहीं है। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य कुछ न कुछ सुधरते रहते, पूरा सुधार कोई नहीं कर सकता। ये भी कहते हैं कि मास में एक बार विकार में जाओ, कोई न कोई दान भी देते हैं, तीर्थों पर मनुष्य जाते हैं तो कुछ न कुछ दान में देकर आते हैं। अब ये तो तुम बच्चे समझते हो सचिव में हंसों की दुनिया होती है, और ये दुनिया तो बगुलों की है। कैसे वो हंसों की दुनिया कैसे और ये बगुलों की दुनिया कैसे, हाँ व्यभिचारी बनते हैं। तो व्यभिचारी का मतलब बगुल, जैसे बगुला होता है सड़ा हुआ मरा हुआ मछली खाता रहता है, ऐसे ही ये व्यभिचारी की दुनिया है जो बगुलों से मेल खाती है। बगुले देखे हैं, पारसी लोगों में भी कोई मरता है तो कुएं पर ले जाते हैं, वहां कुएं के किनारे बगुले उनका सारा मांस खा जाते हैं, बाकी हड्डियां रह जाती हैं। परंतु मनुष्यों की तो हड्डियां भी काम में नहीं आती, मनुष्य का कुछ भी काम में नहीं आता है मरने के बाद। मरने के पहले तो आंखें दान में दे देते हैं, किडनी भी दान में दे देते हैं, लेकिन मरने के बाद कुछ भी काम में नहीं आता, इसलिए नकामा बेकाम कहा जाता है। तो देखो
मनुष्य बहुत काम का भी है तो बेकाम का भी है, हीरे जैसा भी बनता है तो पौड़ी जैसा भी बनता है। इस जन्म में बाप तुमको पौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, और कोई जन्म नहीं है जितने तुम हीरे जैसा बनते हो। बनाने वाला तो बाप ही, इसको अमूल्य जीवन कहा जाता है। तुम मालूम कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कनाही अंतराम कही आवतनाही, अंत में भगवान की याद किसी को आती नहीं है। कहाँ की बात? हाँ, जन्म जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर की शूटिंग की बात है। इतना पुरुषार्थ करने वाले हैं लेकिन अंत में बाप को याद करें तो बहुत थोड़े निकलते। दुनिया थोड़ी जानती है। मैं आया हूं तुमको गुनगुनाने से क्यों नहीं बनते हो? इतना पुरुषार्थ भी करना पड़े जो ये अमूल्य जीवन कहा जाए। तुम कहेंगे हमारा तो कोई दोस्त नहीं है। क्यों हमारा कोई दोस्त नहीं? किस आधार पर कहेंगे हमारा कोई दोस्त नहीं? ऐसे ड्रामा बना हुआ है। बाबा भी ड्रामा के बंधन में बांधे हुए है तो हम बच्चे भी ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। हमारा कोई दोष नहीं। अरे तुम्हारा दोष नहीं? मैं आया हूँ तुमको गुलगुल बनाने के लिए तो तुम बनते क्यों नहीं हो? मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम पावन बनो ना। तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तुमको मिला है। सोचो इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? दुनिया थोड़ी जानती है ये विश्व के मालिक कैसे बने। कलयुग में देखो कितना दोष लगा पड़ा है, और बाप आते हैं संगम पर। अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं है, नहीं समझते हैं। नहीं समझते हैं इसलिए कि अभी तुम ही बात को पूरा पूरा नहीं समझते। आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि होने लग पड़ते। तो समझाने वाला खुद ही निश्चय बुद्धि न होगा तो दूसरों को निश्चय बुद्धि कैसे करा देगा? आगे चल करके बहुत आवेंगे। कहाँ आवेंगे? तुम्हारे पास बहुत आवेंगे। उनके ग्राहक तुम तो पड़ेंगे दिनोगे, उन साधु संत महात्माओं के उनके ग्राहक टूट पड़ेंगे, तब ही उनका दिमाग ठीक होगा। अभी तुम उनको बताओ कि तुम तो साधु संत महात्मा हो सन्यासी हो तो भी बिगड़ पड़ेंगे। बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों सबका सार मैं तुमको सुनाता हूं। वो तो वेदों शास्त्रों का रट्टा लगाते रहते हैं। रामायण पढ़ेंगे पाठ करेंगे, भागवत करेंगे पाठ करेंगे, उसका अर्थ तो समझते नहीं। ढेर के ढेर गुरु हैं भक्ति मार्ग के, और सब नीचे गिराने वाले हैं। सत्युग में देवताएं पावन थी, फिर पावन देवताओं को ऐसा पंत किसने बनाया? कहेंगे ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग के गुरुओं ने पतित बनाया। अभी बाप आकर के फिर से तुमको बेहद का संजात कराते।
क्योंकि ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी, इसलिए बेहद का संन्यास कराते हैं, तुमको सारी दुनिया से सन्यासी बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं अब कब्रस्तानियों की बुद्धि निकाल करके मुझे बाप को याद करो। सारी दुनिया क्या है? कब्रस्तान है। कैसे? सबकी आत्मा के अभिमान की मिट्टी में दबा भी पड़ी है, तो मुझे बाप को याद करो तो विकल्प बिना तू। अभी कयामत का समय है, बिना सामने खड़ा है, सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं उनमें पाक तारा ही भरा हुआ है। आत्मा से डाल करके पाक बजाती है, और आत्मा भी अविनाशी है तो आत्मा में भरा हुआ पाक भी अविनाशी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता, हूबहू रिपीट होता रहता है। और ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रम है, तुम भी इस बात को अभी समझते हो, नंबर बात होते हैं समझ में। कोई रूहानी सर्विस करने वाले हैं, कोई स्कूल काम करने वाले हैं, कोई कहते हैं बाबा हम आपका ड्राइवर बनूंगा तो वहाँ नई दुनिया में मैं विमान का मालिक बन जाऊंगा। आजकल यहाँ के बड़े बड़े आदमी समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, समझते हैं कि हमारे पास बड़े बड़े महल मारे हैं, महल मारियां हैं, मोटरें हैं, विमान हैं, बत्तियां हैं। बाप कहते हैं ये सब अल्पकाल का है, आर्टिफिशियल है, रोने के पानी मिसल है, इनको माया का पंप कहा जाता है। क्यों? माया का पंप विनाशी क्यों? कहाँ 2500 वर्ष की स्वर्ग की दुनिया, और कहाँ ये 100-200 वर्ष का माया का साइंस का पंप। देखो क्या क्या सीखते रहते हैं, कैसे कैसे जहाज बनाते हैं, पानी के जहाज, सबमरीन वगैरह कैसे कैसे बनाते हैं, पानी के अंदर ही डूबे रहते हैं। अब जहाज वहां थोड़े ही काम में आवेंगे क्या? कहां? नई दुनिया में वहां जहाज थोड़े ही काम में आवेंगे। फिर देखो बम्स बनाते रहते हैं, वो बम्स वहां काम आवेंगे क्या? सुख वाली चीजें वहां काम में आवेंगी, ये दुख देने वाली चीजें काम में नहीं आवेंगी। विनाश में ये सार खलास हो जाते, और ये सब चीजें मदद करती हैं विनाश में। फिर यही साइंस तुमको सुख भी देगी। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। अच्छा मीठे मीठे सीखे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद क्या? गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास है, फरवरी 1968 का जिसकी जयंती मनाते हैं उनकी तिथि तारीख को सब जानते हैं। सिर्फ कृष्ण जयंती, शिव जयंती, इन्हीं की तिथि तारीख को नहीं जानते हैं। शिव जयंती की तिथि तारीख किसी को पता नहीं है, बाकी कृष्ण का तो तिथि तारीख सब बताते हैं। या? कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ, किस दिन पैदा हुआ, कौन से मास में पैदा हुआ, सारा बताते हैं ना। मिक्स कैसे कर दिया?
विष्णु जयंती ब्रह्मा जयंती तो मनाते ही नहीं, क्यों है पता ही नहीं, मानी होती है कहाँ होती है। ब्रह्मा की जयंती अगर होती, जय जयकार हुई होती, तो ब्रह्मा के मंदिर होते, मूर्तियां बनती, पूजा होती, होती है क्या नहीं। विष्णु तो कोई देवता अलग से होता ही नहीं, वो तो चार है आत्माओं का कॉम्बिनेशन है स्वभाव संस्कार का। न तो शंकर का ही मनाते हैं, शंकर की जयंती मनाते हैं क्या, क्यों श्री शंकर पे किया है श्री जयंती मनाते हैं। जय जयकार वास्तव में शिव की होती है, शंकर की जय जयकार की तो बात ही नहीं। शंकर स्वयं अपने अपने आप को किसने तिरोहित कर देता है, शिव में। तुम बच्चों ने जो पॉइंट सुनी है लिखी है वो दिल्ली भेज दिए। शिव जयंती गीता जयंती मनाते हैं पर विशिष्टाचार्य को जानते नहीं, न उनके ऑक्यूपेशन को जानते हैं। यही बात तुम बच्चों को समझानी है क्या, यही बात तुम बच्चों को दिल्ली में जो लिखकर भेजी है ये समझानी है क्या, कि तुम शिव जयंती मनाते हो तो किस आधार पर मनाते हो। 70वीं शिव जयंती, 40वीं शिव जयंती, ये कैसे तुमको पता चला कि 40 वर्ष हो गए शिव को जन्म लिए हुए। भक्ति मार्ग वालों की देखा तो उन्हें नहीं मनाते हो, भक्ति मार्ग वाले शिवरात्रि मनाते हैं, ज्योतिषियों ज्योतिष तारीख निश्चित कर दी उसी में मना लेते हैं, परंतु क्या मालूम पड़ता है कि शिव कब आए, शिव कब आते हैं कब जाते हैं, किसी को पता तो नहीं पड़ता ही नहीं। ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता। तो तुम बच्चों ने जो भी पॉइंट लिखी है दिल्ली भेज दी। मुरली में भी बताया था क्या, मुरली में भी बाबा ने इशारा दिया कि तुम शिव जयंती मनाते हो किस आधार पर मनाते हो, 40वीं शिव जयंती त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हो तो किस आधार, अभी 70वीं शिव जयंती मनाई किस आधार पर मनाई, कैसे कहते हो कि 70 साल हुए शिव को जन्म लिए, जब आते हैं तो कोई पता तो पता ही नहीं। बच्चे युक्तियां तो बहुत निकालते हैं कि कैसे जागे, रचयिता और रचना की नॉलेज को आए करके पावे, रचता भी बैठे हैं तो रचना रचयिता के बच्चे भी बैठे, रचयिता के आदि मध्य अंत का राज रचयिता ही समझाते हैं और कोई समझा भी नहीं सके। मनुष्य कैसे जाने कि हम नर्गवासी हैं, नर्गवासी तो है नहीं, तो ये बात समझानी है। एरोप्लेन से गिराने वाली पर्चियों में भी ये लिख सकते हैं, जो मनुष्य समझे कि हम कलयुगी कौड़ी तुल्य हैं, हम हीरे तुल्य नहीं हैं, तो दिल को भी हीरे तुल्य होने की पूछना चाहिए। कली की दुनिया नरक की निवासी हो या सत्य की दुनिया स्वर्ग की निवासी हो, तो मनुष्य समझे कि कलयुग अलग चीज है और स्वर्ग अलग चीज है। ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा सर्व मनुष्य मात्र से कल्प के संगम युग पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं। कलयुगी पुरानी दुनिया के नरकवासी हो या सत्यवी नई दुनिया के स्वर्गवासी हो, कलयुगी पतित अथवा भिखारी हो या सत्यवी पावन अथवा निर्विकारी हो, कलयुगी पतित अथवा भिखारी हो भ्रष्टाचारी देह अभिमानी हो या सत्यवी श्रेष्ठाचारी देही अभिमानी आत्माभिमानी बने हो, कलयुगी मृत्यु लोग वैश्यालय में हो या अमर लोग शिवालय में हो,
कलयुगी दुखधाम में हो या सतयुगी सुखधाम में हो, अनेक धर्म अनेक राज्य अनेक भाषाओं वाले रावण राज्य में हो या सतयुग के एक धर्म एक राज्य एक भाषा के वाले राज्य में हो, कलयुगी भक्ति मार्ग के दुर्गति मार्ग में हो या सतयुगी ज्ञान मार्ग में हो सदगति में हो, ज्ञान से सदगति होती है। कलयुगी पत्थर बुद्धि पतित हो या सतयुगी पार्थ बुद्धि हो, कलयुगी कौड़ी तुल्य हो या सतयुगी हीरे तुल्य हो, कलयुगी कांटों के जंगल में हो या सतयुगी फूलों के बगीचे में हो, कलयुगी दुर्भाग्यशाली या सतयुगी पद्मा पद्म भाग्यशाली हो, कलयुग मोहताज हो कलयुगी मोहताज हो या सतयुगी डबल चिंताज हो, परम पिता से विपरीत बुद्धि हो या परम पिता से प्रीति बुद्धि हो, पूछना पड़े। कलयुगी नरक में हो तो इसे सतयुगी स्वर्ग में चलने की तैयारी तो करो, इसमें और बातें भी है भीषण कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे पर्चे एरोप्लेन से गिरा दें, बच्चों ने पॉइंट लिखी है भाषणों के लिए, बाबा ने लिखा है एक दो बारी लिख करके रिहर्सल भी करो, लिखो फिर भाषण करो, देखो कोई पॉइंट भूलते तो नहीं हो, रिहर्सल करके फिर भाषण करना चाहिए। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं तो उनको जगाना है, अगर नहीं जानते हैं तो वो या सोए पड़े, अभी टाइम तो बहुत है। बम्बई में चंद्रा ने सन्यासियों को समझाया, परंतु वह सन्यासी आवेगा ही नहीं, अगर आवेगा और जाकर के कुछ अपने शिष्यों को सुनावेगा तो उनको एकदम भगाई देंगे, वो शिष्यों के बीच में ठहर नहीं सकेगा, क्योंकि यहाँ तो है प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ आवेंगे तो कहेंगे रोटी पकाओ झाड़ू लगाओ या करो, तो सन्यासियों से ये बातें हो ही नहीं सकती, दिल्ली ब्रह्म कुमारी यहाँ टिकती नहीं है, है? कब कहेंगे बर्तन साफ करो धोबी का काम करो, शिव बाबा कहते हैं हम बच्चों की सर्विस में हूँ, मैं बच्चों को ओबीडियंट सर्वेंट बन करके आया हूँ, माँ बाप भी बच्चों के ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं ना, तो ये तो परिवार है गायन है, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब बच्चे करेंगे। पंद्रह फरवरी अठसठी वाणी का दूसरा पेड़, बाबा तो है ही दे ही अभिमानी, मतलब अभिमानी से चाहे जो कर्म कराना चाहो वो भी करेगा, देह अभिमानी होने देह अभिमानी के तो होने की बात ही नहीं, माना बाबा के देह अभिमानी होने की बात ही नहीं, कोई भी काम करने के लिए बच्चे जो आत्मा अभिमानी होते हैं वो तैयार हो जाते हैं, तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए, हम भी ऐसे ऐसे पॉइंट पर भाषण करें, भाइयों को जगा दें, जगेंगे वही जगेंगे जो इस धर्म के होंगे, दूसरे धर्म वाले भी लक्ष्य ले सकते हैं। दूसरे धर्म वाले क्यों लक्ष्य लेंगे, धर्म वाले कैसे लक्ष्य लेंगे, अरे जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो दूसरे धर्म में चले गए ना कन्वर्ट होकर के, तो फिर आकर के लक्ष्य ले लेंगे, तुम कहेंगे भारत सतो प्रधान था तो हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी तमो प्रधान बने तो फिर बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे, समझाना है अच्छी रीति जो मनुष्य समझेंगे ये ठीक बात है, तो चक्र में आते आते
हम नीचे गिरे हैं, अब हमें ऊंचा उठना है। बाप कहते मुझे याद करो तुम पावन बन जावे। हम सतो प्रधान थे, बाप से बढ़ता पाया, फिर सतो प्रधान बनेंगे तो विश्व की बात ही मिल जाएगी। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हो, इसलिए बाप को याद करते हो। क्या था? बाप को याद है, ज्यादा कौन करेंगे? तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ज्यादा पक्के होंगे। ज्यादा पक्के होंगे तो 63 जन्म भी बाप के साथ उनकी बुद्धि जागती रही होगी। 63 जन्म में कैसे बाप के साथ बुद्धि? बाप तो जानते ही नहीं थे। वहाँ बाप की पहचान होती है किसी को? है बाप 21 जन्म के वो आधार पर 63 जन्मों का, हाँ 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है वो भी 21 जन्मों के आधार पर बनता है। राम वाली आत्मा के साथ वही आत्मा ज्यादा संग साथ का अनुभव किया होगा जिन्होंने पक्का पक्का देवी देवता सनातन धर्म में पूरे 84 जन्म लिए होंगे। तो बाप कहते हैं जो शिव का पुजारी हो, नारायण का पुजारी हो, उनको समझाओ। जो नारायण है वही तीर्थंकर है, दूसरों को समझा देंगे तो उनकी समझ में आवेगा नहीं। कच्चा राज्यों का अभी बाप बैठ कर देते जाते हैं, हम सीख रहे हैं औरों को भी कहते हैं आकर के सीखो। विनाश के पहले एक धर्म एक राज्य भाग ले लो, विनाश होने से पहले एक धर्म एक राज्य एक भाषा का राज्य स्थापन हो जाएगा? हाँ, एक धर्म एक राज्य एक भाषा का राज्य विनाश के पहले ही स्थापन होना है। दुनिया तो बाद में विनाश होगी, पहले स्थापना होगी कि पहले विनाश होगा? पहले स्थापना। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपनी बात का स्थापन कर रहे हैं, अनेक बार हमने स्थापन किया है, फिर कल्प कल्प स्थापन करते रहते हो। फिर तो प्रधान जरूर बनना है, याद किया करते मुख्य पॉइंट अच्छी रीत पकड़ करके फिर समझाना अच्छा होगा। बाप की याद से विकर्मा जी तो बनेंगे। क्या याद करते करते मन बुद्धि रूपी आत्मा ऐसी सात्विक बन जाएगी कि विकर्म होंगे ही नहीं, पाप कर्म होंगे ही नहीं, पाप कर्म होंगे नहीं, और बाप की याद से पाप कर्म भस्म भी होते जाएंगे तो सतप्रधान बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण विकर्मा जीत है ना, इनसे कोई विकर्म होंगे नहीं। हाथ खेल मत बनो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं होंगी वो हार्ट फेल होने वाली नहीं हो सकती। पुरुषार्थ करना है, दिल में समझते हो हम माला में आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, बड़ा मतलब है। इसको पुरानी लॉटरी कहा जाता है। मौत तो सबका है, सब खाली हाथ जानेंगे, परंतु तुम्हारा हाथ भर्तु हो जाएगा। कौन सा हाथ भर्तु हो जाएगा? जितना सुख जिसकी तकदीर में है वो आकर के पा लेंगे, और अंत मते तो गति हो जाएगी। तुम योग बनते अपना ही हिसाब किताब सुख तो कर रहे हैं। अच्छा बच्चों को गुड नाइट।